जो छह दिन से यहाँ रुल रहे हैं रोड पे, आपके लिए हमदर्दी के लिए वो आए हैं और आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जनाब जवेद कसूरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जमील मेऊ साहेब और पंजाब हेल्थ वर्कर्स के मेरे मुलाजमीन दोस्तों भाइयों और ख्वातीन बहनों, मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोग जिनका ताल्लुक पंजाब के 14 अजला से है और वो देहात के अंदर अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और देहात हमारा वो इलाका होता है जहां बिलअमूम पहले ही सहूलियात की कमी होती है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से हमारी देहात की आबादी पहले ही कई हवालों से मुतासर होती है, और ऐसे हमारे हेल्थ वर्कर्स जो देही इलाके के अंदर बसने वाले लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और वो गुज़श्ता 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के ऊपर उनको हुकूमत में रखा हुआ है, ये एक जायज और जेन्युइन मुतालबा है कि इन सारे मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पे भर्ती किया जाए। मैं इस मौके पे आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक जेन्युइन जायज लॉजिकल हर लिहाज से आप लोगों का जायज मुतालबा है, और मैं पूछना चाहता हूं कि आप 6 रोज से यहां बैठे हुए हैं तो पंजाब के वजीर आला साहेब, क्या आपको यहां बैठी हुई हमारी खवातीन नजर नहीं आई? के मुतालबा जो बिल्कुल जायज हैं उनकी हमायत का ऐलान करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई साहब से, जनाब चौधरी साहब ये हमारे भाई और बहने वो हैं कि जो पंजाब के हेल्थ वर्कर हैं, इनमें डिस्पेंसर्स भी हैं, इनमें मिडवाइस भी हैं, इनमें LHV भी हैं, इसमें वैक्सीनेशन करने वाला अमला भी है, इसमें इवन के माली और गार्ड भी मौजूद है, ये हमारे जो इसमें लैब के और एक्सरे के टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, ये जितने लोग हैं ये उन इलाकों में काम करते हैं कि जो छोटा इलाके हैं, जो देहाती एरियाज हैं, जहाँ पे पहले ही लोगों के लिए सेल की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। आप देखें कि शहरों में तो चले फिर भी कुछ ना कुछ ये हॉस्पिटल हैं, वो उनकी हालत भी बड़ी बुरी है, लेकिन देहातों में तो कोई पूछने वाला नहीं है, और ये वो लोग हैं कि जो देहातों में गरीब इलाकों में जहाँ पे सहूलतें नहीं हैं वहाँ पे वो हुकूमतें पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए उन इलाके के गरीब लोगों को हेल्थ की सहूलियात फराहम करते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ ये सलूक करें कि ये बेचारे 18-18 साल से इनके ऊपर आप एक तलवार लटका कर रखें, इन्हें ये पता ना हो कि हमारी ये नौकरी अगले महीने है या नहीं है, तो मुझे बताएं ये किस तरह से काम करेंगे? ये जायज नहीं है, ये जुल्म है। आपने पंजाब में बनने वाले 1122 का जो इदारा है रेस्क्यू का, उसके अंदर भी भर्ती तो लोग ऐसे किए थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेकिन आपने उनको तो रेगुलराइज कर दिया। अगर 1122 के जो वार्डन है उसका जो अमला है उनको इस तरह से, जो लाहौर के वार्डन है ये भी इसी तरह से पहले इन्होंने बनाए और उनको रेगुलराइज कर दिया, तो अगर आप 1122 को रेगुलराइज कर सकते हैं, अगर आप वार्डन जो है उनको रेगुलराइज कर सकते हैं, तो इन बेचारों का क्या कसूर है कि इनको 18 साल गुजरने के बाद ये सरासर जुल्म है, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं इस मौके के ऊपर जहां आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जनाब सिराजुल हक और जमात इस्लामी वो आपके शाना बिशाना है, और इसलिए हम आपके साथ हैं।
हम इसलिए आपके साथ हैं कि आपका मुतालबा बिल्कुल हक पर जायज है।